व्हाट्सएप ने किया 20 लाख से ज़्यादा इंडियन यूजर का व्हाट्सएप अकाउंट को बैन। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि इन सब यूजर का अकाउंट बैन होने के पीछे क्या कारण है, साथ ही आपका जो अकाउंट है व्हाट्सएप अकाउंट उसको आप बैन होने से कैसे बचा सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में क्या है तो आप अपने अकाउंट को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में खुलासा करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं इनटेक इंडिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने न्यू आईटी रूल को यहाँ पर लागू किया है, जिसमें कि कोई भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया कंपनी है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह की जो भी कंपनी है यहाँ पर उनको एक मंथली रिपोर्ट हमारे इंडियन गवर्नमेंट को देना है। व्हाट्सएप ने 15 मई से 15 जून का यहाँ पर एक मंथली रिपोर्ट हमारे इंडियन गवर्नमेंट को दी है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि जो इंडियन यूजर है उनका 20 लाख 11 हज़ार से ज़्यादा यूजर का व्हाट्सएप का अकाउंट परमानेंटली उन्होंने बैन कर दिया है। और दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ग्लोबली यानी कि दुनिया भर में 80 लाख लोगों को व्हाट्सएप ने अकाउंट को बैन किया है। यहाँ पर इंडिया में सिर्फ 20 लाख 11 हज़ार लोगों का ही अकाउंट बैन हुआ है। इन सब व्हाट्सएप अकाउंट का बैन होने का कारण क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो 95% ऐसे यूजर का अकाउंट बैन हुआ है जो कि बल्क में मैसेज या फिर स्पैम मैसेज अपने अकाउंट के थ्रू शेयर करते थे। तो जो कि व्हाट्सएप यहां पर समझ गया कि ये बल्क वाले मैसेज हैं या फिर स्पैम करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो उन्हें परमानेंटली यहाँ पर बैन कर दिया है। कुछ जो 5% लोग हैं उनको यहाँ पर बैन इसलिए किया है, वो धर्म से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ों को शेयर करते थे, जातिवादीय विवादीय वाले चीज़ों को यहाँ पर शेयर करते थे, साथ ही यहाँ पर गैर कानूनी चीज़ें यहाँ पर शेयर करते थे, अश्लीलता से रिलेटेड चीज़ों को शेयर करते थे, और यहाँ पर जो डराने धमकाने वाला या फिर डरावना जो चीज़ों को यहाँ पर शेयर करते थे, उन सब कारणों से यहाँ पर उनका अकाउंट बैन हुआ है। अब मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि आप इस बैन से कैसे बचें या फिर अपने अकाउंट को कैसे सेफ रखें। तो सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं जिनके कारण बैन हो रहे हैं उन चीज़ों को आपको कभी नहीं करना है, जिससे कि आपका अकाउंट पर बैन हो या फिर बैन होने का कोई शंका रहे। और दूसरी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो व्हाट्सएप के टर्म एंड कंडीशन है उनको आपको कभी भी नहीं तोड़ना है, उनके जो भी नियम यहाँ पर दिया गया है उनको पालन करना है, जिससे कि आपका अकाउंट कभी बैन नहीं होगा। अभी यह जो रिपोर्ट है कुछ दिन पहले का यहाँ पर सामने आया है, आज से कुछ दिन बाद भी फिर से रिपोर्ट व्हाट्सएप लाएगा, जिसमें कि उन्होंने बताएगा कि फिर से मैंने व्हाट्सएप के जो भी एक महीना का रिपोर्ट है उसमें क्या क्या चेंजेज हुए वो इंडियन गवर्नमेंट को देगी। अगर वहाँ से कुछ अलग या विचित्र चीज़ें होती हैं तो वो हमारे सामने ज़रूर से आएगी और वो जो चीज़ें हैं मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा। तो दोस्तों इन चीज़ों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। जब भी आप लाइक करते हैं दोस्तों तो मुझे बहुत ही खुशी मिलता है, मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि इस तरह के मैं वीडियो बनाऊं और आपके साथ मैं जुड़ूं और आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें, जो भी आपका डाउट है मैं आपको क्लियर करता जाऊं टेक्निकल फील्ड में। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ भी इसे शेयर करें, ताकि वो भी समझ सके कि ये जो व्हाट्सएप का अकाउंट बैन क्यों हो रहा है और 20 लाख से ज़्यादा लोगों का अकाउंट बैन हो गया है, तो उनमें से कोई ना कोई यूजर भी हो सकते हैं। तो उन बैन को बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बता दिया हूँ, तो अपने दोस्तों को साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।